हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास सिक्स की 1.2 एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 डेज इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन को पढ़ के ही हमें आंसर समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फाइनल डे के टिकट्स दिए गए हैं और इसमें रिस्पेक्टिवली एक वर्ड है, ध्यान से इसको पढ़ना है। रिस्पेक्टिवली तो इसका क्या मतलब होता है, जिस तरीके से हमें डेज दिए हुए हैं। फर्स्ट डे, तो फर्स्ट नंबर क्या है, 1094 है, तो वो फर्स्ट का क्या होगा, 1090 होगा, 94 होगा। सेकेंड डे का है 1812, थर्ड डे का है 2050 और फाइनल डे का है 2751। तो इसमें हमें टोटल नंबर निकालने हैं, टिकट्स कितने हमारे सेल हुए हैं। तो इन सबको क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, सबको पहले गिवन लिख देंगे और फिर ऐड कर देंगे। तो इसमें एग्जाम में डायरेक्ट भी आंसर नहीं लिखना है आपको, जो प्लस आप करोगे वो गिवन लिखने के बाद ही करना है। सारा पहले गिवन लिखना है फिर प्लस करना है। तो 7707 इसका आंसर हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस, ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स, हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। तो शेखर एक क्रिकेट प्लेयर है और उसको उसने कितने रन अभी स्कोर कर दिए हैं, 6980 रन उसने स्कोर कर दिए हैं और उसको कितने कंप्लीट करने हैं, 10,000 रन्स। तो हम गिवन लिख देंगे पहले, शेखर ने स्कोर किए हैं 6980 रन्स और उसको कंप्लीट करने हैं, ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। तो अब हमारे हमें ये बताना है कि हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, उसको और कितने रन चाहिए। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो टोटल रन है हमारे जितने उसको कंप्लीट करने हैं और जितने बना लिए हैं उसको माइनस कर देंगे, तो जितना बैलेंस हमारा आ जाएगा उतने रन उसको और बनाने हैं 10,000 रन को पूरे करने के लिए। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालने के बाद आप एक बार इसको, जो हमारा 6980 है, जिसने जितने उसने रन बना लिए हैं और जो हमारा आंसर आया है, उसको एक बार प्लस भी करके देख लीजिए। अगर प्लस करके 10,000 आ रहा है तो आपका आंसर सही है, तो एक क्रॉस चेक भी हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो इसमें इलेक्शन का दिया हुआ है कि एक सक्सेसफुल कैंडिडेट है, उसको 5,77,500 वोट्स मिले हैं और उसका जो नियरेस्ट राइवल है, मतलब जो उसके अपोजिट में खड़ा है, उसके खिलाफ खड़ा है, उसको कितने मिले हैं, 3,48,700 वोट्स। तो अब हमें बताना है कि कितने मार्जिन से जो इलेक्शन जीता है वो कितने मार्जिन से जीता है। तो इसमें हमें डिफरेंस निकालना है जो सक्सेसफुल कैंडिडेट के वोट्स हैं और जो राइवल के वोट्स हैं, उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा वो कितने वोट से जीता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम गिवन में लिख देंगे, सक्सेसफुल कैंडिडेट वोट्स कितने हैं, 5,77,500। इसमें कॉमा नहीं लगाया मैंने, आप कॉमा भी लगा लीजिए। और फिर राइवल कैंडिडेट के कितने वोट्स हैं, 3,48,700 वोट्स हैं। तो अब हमें मार्जिन निकालना है, तो मार्जिन बाय विच ही वॉन द इलेक्शन। तो स्टेटमेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने तरीके से, लेकिन स्टेटमेंट सही होनी चाहिए, आपकी समझ में आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और माइनस भी आप अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ध्यान से करना है और क्रॉस चेक भी करना है माइनस को। एक बार कर लिया तो एक बार और करके देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए, लास्ट में टाइम टाइम बचेगा तो करिए। तो इसका आंसर है 2,28,800 वोट से वो जीत गया था इलेक्शन। थर्ड क्वेश्चन हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आप। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज़ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ रुपीज़ 4,768
इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, तो सेम मंथ में सेकेंड वीक में इतने। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टूगेदर, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो क्वेश्चन पढ़ो आप भी और देखिए क्या लिखा है इसमें। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में इतने बुक्स बेचे हैं उन्होंने कीर्ति बुक स्टोर ने, और सेकेंड वीक ऑफ जून में इतने बुक बेचे हैं, 4,07,68। तो इसमें हमें पूछा है कि हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। टुगेदर मतलब क्या होता है? साथ में। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि टुगेदर निकालना है तो हमें इन दोनों को फर्स्ट वीक को और सेकेंड वीक को प्लस करना होगा। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कि दोनों वीक में कितने बुक्स उन्होंने सेल किए हैं, कितने बुक्स बेचे हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चंस पूछे गए हमसे। तो पहले का हमने दे दिया आंसर कि दोनों वीक में मिलाकर उन्होंने कितने बुक्स बेचे हैं, और सेकंड है कि इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर। अब किस वीक में जो सेल है वो ग्रेटर है, ज़्यादा है। तो हमें तो देखने से ही पता चल रहा है कि कौन से वीक में सेल ज़्यादा है, सेकंड वीक में, क्योंकि फर्स्ट वीक में तो 2 लाख समथिंग सेल है और सेकंड वीक में क्या है, 4 लाख समथिंग है। ऑलमोस्ट डबल तो नहीं है लेकिन 2 लाख है, और इसमें 4 लाख है, तो पढ़ने से पता चल जाएगा आपको डिफरेंस। और इसमें हमें क्या निकालना है, साथ में ही बाय हाउ मच। तो क्वेश्चन देखिए बाय हाउ मच है, मतलब इसमें भी हमें डिफरेंस निकालना है कि कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच। तो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, बाय हाउ मच, मार्जिन, तो इसमें हमें माइनस करना होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें भी हम माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कि कितना डिफरेंस है दोनों के सेल में, फर्स्ट वीक के और सेकंड वीक के। तो हमारा है 1,14,877, इतना डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर डैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4 एंड 3 ईच ओनली वंस। हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ना है पहले, फिर समझना है इसको। क्या क्वेश्चन है? डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट, मतलब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमें बनाना है। किसका? ये नंबर्स दिए हुए हैं हमें, 6, 2, 7, 4 और 3, और ईच ओनली वंस मतलब यूजिंग ईच ओनली वंस। तो एक वर्ड 6 जैसे लिखा है तो इसका एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, 2 लिखा है इसका एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बना देंगे, क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले लिख देंगे, मतलब इसको हम क्या कर देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिख देंगे, बड़े से छोटे में लिख देंगे। तो 7, 6, 4, 3, 2 हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके लिख देंगे। और इसका फिर हम सिंपली डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? माइनस करके। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और साथ में हमें गिवन भी लिखते रहना है, जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है कि डिजिट्स कौन से गिवन हैं वो लिख दिए हैं, और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा वो लिख दिया है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा वो भी लिख दिया है, और फिर डिफरेंस लिख दिया है, वो हम आंसर निकाल देंगे। तो क्या आंसर आ गया इसका? 52,965। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 6। अ मशीन ऑन एवरेज मैन्युफैक्चरर्स 2,825 स्क्रूज इन अ डे। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो एक मशीन है वो कितना स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है, स्क्रू मतलब नट जो होते हैं, वो कितने बनाती है, 2,825 स्क्रू बनाती है एक दिन में। तो हमें बताना है कि उसने एक मंथ में कितने प्रोड्यूस किए, वो भी कौन सा मंथ, जनवरी का, वो भी 2006। तो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा है, 2006। अगर यहाँ 2007, 8, 9, 10, 11 कुछ भी लिखा हो, या 1900 कुछ भी डेट लिखी हो, आंसर हमारा सेम ही आएगा, क्योंकि जनवरी में मंथ में कितने डेज़ होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, 31 डेज़ होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम गिवन लिख देंगे, नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर इन अ डे इतना है, 2825 है, और जनवरी मंथ हैज़ 31 डेज, सो नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी। तो एक दिन में अगर इतना है तो 31 डेज में कितना होगा, मतलब 31 टाइम्स हमें 2825 को करना पड़ेगा, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि एक मंथ में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करती है एक कंपनी, जो भी है मशीन, एक मशीन। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें, और मैथ्स में हमेशा गिवन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स में आंसर के ही मार्क्स नहीं मिलते हैं, जो गिवन लिखते हैं आप, जो स्टेप्स होते हैं उसके भी मार्क्स मिलते हैं। इसका आंसर आ गया 87,575। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मर्चेंट हैड रुपीज़ 78,592 विद हर, शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट रुपीज़ 1200 ईच, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। एक मर्चेंट है, कोई एक लेडी है या लड़की है, जो भी है मर्चेंट है, उसने कितने, उसके पास कितने रुपए हैं, पहले तो ये लिख देंगे हम कि उसके पास है 78,592 रुपीज़, और उसने क्या ख़रीदा है, उसने ख़रीदा है 40 रेडियो सेट ख़रीदे हैं, और एक सेट का क्या प्राइस है, क्या कितने रुपए का है एक सेट, 1200 रुपीज़ का है। तो लिख देंगे कि टोटल, पहले तो लिख देंगे टोटल मनी कितना है मर्चेंट के पास, 78,592, और उसने क्या ऑर्डर किया है, 40 रेडियो सेट्स ऑर्डर किए हैं, और कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो सेट कितना है, रुपीज़ 1200। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि एक रेडियो सेट का कॉस्ट अगर 1200 है, तो उसने 40 रेडियो सेट खरीदे हैं, तो उसका कॉस्ट कितना होगा, एक का 1200 है तो 40 टाइम्स 1200 करना पड़ेगा, इसीलिए हमें क्या करना है इसमें, सीधा 40 से मल्टीप्लाई कर देना है 1200 को। तो 1200 इंटू 40 सीधा 12 फोरज़ा कितना होता है वो करना है, 12 फोरज़ा होता है 48, और 3 ज़ीरोस हैं तो 3 ज़ीरोस लगा देने, तो 48,000 क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर आ गया कि 40 रेडियो सेट 48,000 के हैं। अब उसके पास कितने रुपए बचे, फिर से इसमें रिमेनिंग पूछा है, जैसे डिफरेंस निकालना था, जैसे हाउ मच क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मच वाला क्वेश्चन था, वैसे ये रिमेनिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करना होगा, टोटल जितने रुपए थे उसके, कि जितने रुपीज़ थे और जितने उसने खर्च कर दिए 40 रेडियो सेट में, उसको माइनस कर देंगे, तो 78,592 माइनस 48,000 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 30,592। तो इतने रुपए उसके पास बच गए हैं मर्चेंट के पास। 8th क्वेश्चन है हमारा, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56, बाई हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, एक नंबर को मल्टीप्लाई करता है 65 से, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56, उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन वो गलती से 65 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि जिससे उसे मल्टीप्लाई करना था और जिससे उसने कर दिया, तो उसको करना था 56 से, उसने कर दिया 65 से, तो उन दोनों का डिफरेंस लिख दिया हमने, कितना आया 9। फिर जो, और क्वेश्चन में पूछे बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो जो करेक्ट आंसर आना था 7236 को 56 से करने से जो आंसर आना था, ऑब्वियसली बात है कि 65 से कर दिया तो ज़्यादा आंसर आएगा, और कितना ज़्यादा आएगा वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 7236 को जो डिफरेंस आया हमारा नंबर्स का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि इतना आंसर उसका ज़्यादा आ गया, तो 65,124 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड, आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। तो एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, क्लोथ लगता है, और टोटल क्लोथ है हमारे पास 40 मीटर, तो इसमें बताना है कि 40 मीटर में हमारे कितने शर्ट बन जाएंगे, कितने शर्ट को हम सील पाएंगे। तो सबसे पहले गिवन लिख देंगे कि टोटल लेंथ कितनी है क्लोथ की, 40 मीटर है, और क्लोथ कितना रिक्वायर्ड है, एक शर्ट बनाने में कितना क्लोथ रिक्वायर्ड है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप क्या करना है कि सबसे पहले जो इसकी यूनिट है उसको चेंज करना है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसमें, मीटर और सेंटीमीटर में,
तो जो छोटा यूनिट होता है उसमें चेंज कर लीजिए सबसे पहले इसको। तो इसको करिए, हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 40 मीटर में कितने हो जाएंगे, 40 मीटर में 40 हंड्रेड बोलो या 4000 बोलो, उतने सेंटीमीटर हो जाएंगे। और एक एक शर्ट बनाने में कितने कपड़े लगेंगे, 215 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में 215 सेंटीमीटर होते हैं। तो कितने शर्ट हम बना पाएंगे, तो इसमें हमें क्या करना है, जो 215 है और जो 4000 है उसको डिवाइड करना है, क्योंकि हमें निकालना है कितने शर्ट हम बना देंगे। तो 215 उसमें से एक काट दिया तो एक शर्ट आ जाएगी, फिर 215 हटा दिया तो दो शर्ट आ जाएगी, फिर 215 हटा दिया तो 3 शर्ट्स हो जाए। तो इसीलिए हम सीधा इसको डिवाइड कर देंगे 4000 से, 215 को 4000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड करने के लिए एक साइड में रफ में कॉलम बना लीजिए। तो डिवाइड भी आपको ध्यान से करना है, कोई गलती नहीं करनी है डिवाइड में, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके, क्योंकि मैथ्स में अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो क्वेश्चन गलत होगा। अगर एक बार क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आपको फिर आपका टाइम बिल्कुल डबल लगेगा और टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा मैथ्स में। इसीलिए जो भी हम मैथ्स में क्वेश्चंस करते हैं बिल्कुल आराम से करते हैं। तो हम देखेंगे कि 215 6 होता है 1290, तो हमारा तो है 1850, तो इससे और ज़्यादा करेंगे हम, तो 8 से कर रहा हूँ मैं इधर, 215 को 8 से करेंगे तो 720 आएगा, तो 720 लिख देंगे, क्योंकि 9 से करेंगे तो 1800 को क्रॉस कर देगा वो, 1900 समथिंग आएगा। तो अब इसको माइनस करेंगे, हमारे पास बच गया 130 लास्ट में। तो 18 शर्ट हमारी, जो 40 मीटर हमारे पास कपड़ा था उससे 18 शर्ट हम बना सकते हैं, और हमारे पास 130 सेंटीमीटर क्या बच गया, क्लोथ बच गया। और 130 सेंटीमीटर को हम मीटर में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसको लिख देंगे 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर दोनों लिखेंगे दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 grams। तो एक मेडिसिन है वो बॉक्स में पैक है, बॉक्सेस में पैक है, और एक बॉक्स का वेट है 4 kg 500 grams। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसे लास्ट क्वेश्चन था, ग्राम्स उसमें मीटर सेंटीमीटर था, इसमें केजी और ग्राम है, तो इसमें भी हम ग्राम में चेंज कर लेंगे, ग्राम में चेंज कर लेंगे सबको। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमें, इसमें पूछा है हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन वैन विच कैनॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। तो एक वैन है जो 800 किलो से ऊपर का वेट नहीं कैरी कर सकती, तो हमारा बॉक्स का वेट कितना होगा पहले तो वो निकालेंगे। इसमें हमने ग्राम में निकाल लिया है, और 1 kg में हमारे पास होते हैं 1000 ग्राम, ये याद रखना है आपको। तो 4 kg में 4000 ग्राम हो जाएंगे, 500 तो ग्राम में दिया ही हुआ है, तो टोटल हो जाएंगे 4500 ग्राम। और मैक्सिमम लोड कितना है, 800 kg है, तो 800 तो लिख दिया मैंने, और 3 ज़ीरोज़ होते हैं ग्राम में, ग्राम में चेंज करने में, तो इसका हो जाएगा 8 lakh ग्राम। तो द नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे, कितने बॉक्स हम लोड कर पाएंगे, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें डिवाइड करना है, बांटना है इतने में कि कितने बॉक्स आएंगे। तो जो हमारा 8 lakh है उसमें से हम 4500 जो है उसको डिवाइड कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे 0 से 0 कट, अपने जो क्वेश्चन है उसको छोटा कर देंगे, फिर ये 5 से कट रहा था, मैंने 5 से काट दिया इसको, 5 9 45 होता है, 5 1 5 होता है, और 3 कैरी चला गया नेक्स्ट वाले में, तो 6 30 होता है, 5 6 30, तो 16 लिख दिया, और 2 0 बच गए तो 2 0 लिख दिया, और मैंने फिर 1600 को 9 से अलग से डिवाइड कर लिया। ये सब आप रफ में करेंगे जो मैंने डिवाइड किया है इस साइड। इसीलिए जब भी मैथ्स का कुछ एग्ज़ाम करें या सॉल्यूशन करें तो अपनी कॉपी में एक साइड में रफ बना लें, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन काफ़ी होती है। तो इसमें हमारे 177 बॉक्सेस आ गए हैं, और हमारा 7 ग्राम जो है वो बच जाएगा बस। तो 800 जो वैन है उसमें हम कितने बॉक्सेस रख सकते हैं, लोड कर सकते हैं, 177 बॉक्सेस।
अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो एक बार आप पॉज करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। एक लड़की है, उसका घर से लेकर स्कूल का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर 875 मीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल। तो फिर इसमें क्या होगा, और इसमें बोला है कि एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, ऑब्वियसली जब वो स्कूल जाएगी तो स्कूल से घर भी आएगी वापस, तो क्या होता है कि स्कूल से घर से उसको स्कूल जाने में 1 किलोमीटर 875 मीटर लगते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी हम चेंज कर लेंगे किलोमीटर को मीटर में और पूरी वैल्यू को मीटर में लिख देंगे। तो इसमें हमने मीटर में चेंज किया तो क्या हो गया इसका, 1875 मीटर हो गया। और एवरी डे शी वॉक्स बोथ फेस, तो बोथ फेस मतलब दो चक्कर लगते हैं उसके, तो जितना उसको जाने में लगा उतना ही आने में लगेगा। तो इनको हम ऐड कर लें या 2 से इंटू कर लेते हैं दोनों को। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1875 मीटर जो है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक दिन का पूरा निकल जाएगा कि एक दिन में उसको कितना चलना पड़ता है। तो एक दिन में 3750 मीटर उसको वॉक करना होता है। तो इसमें हमें पूछा है कि 6 डेज में कितना होगा, है सिंपल सा क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो हमारा 1 डे का है 3750 मीटर, उसको हम 6 डेज से इंटू कर देंगे। तो 6 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 6 को 0 से करेंगे 0, 6 5 30, 3 ऊपर 6 7 42, 42 में 3+ किया 45, 4 ऊपर 8 6 3 18 और 4 22, तो 22,500 मीटर। अब 22,000 है तो 22,000 मीटर में 22 मीटर से किलोमीटर होते हैं, तो 22 किलोमीटर, और कितना बच गया हमारा, 500 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अ वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक वेसल है, बाउल है या कुछ मान सकते हैं, बाउल टाइप बर्तन है एक, उसमें 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड आती है, दही आती है। इन हाउ मच ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। मतलब हमारे पास एक ग्लास है जिसका जो कितना ml का है, 25 ml का ग्लास है, तो हमें बताना है कि उस ग्लास से हम कितनी बारी में जो वेसल है उसको भर लेंगे। और हमें पता है कि वेसल में कितना कर्ड आ सकता है, 4 लीटर 500 ml कर्ड आ सकता है। तो इसमें भी हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन वेसल कितना हो जाएगा, 4 लीटर 500 ml। तो जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर भी होते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको मिलीलीटर में चेंज कर दिया और हमारा आ गया 4500 मिलीलीटर। और कैपेसिटी है ग्लास की 25 मिलीलीटर, दोनों मिलीलीटर में हो गए। अब तो अब इसमें भी हमें क्या करना है कि बताना है कि 45 ml कब हो जाएगा, जब हम 25 ml की ग्लास से एक एक करके वेसल में डालेंगे। तो इसमें भी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है कि 4500 को 25 से डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितनी बार हमें ग्लास को फिल करना पड़ेगा। तो 5 से मैंने इसमें भी डिवाइड कर दिया, 5 5 25 होता है, 5 9 45 होता है, और 2 ज़ीरोस थे तो 2 ज़ीरोस लिख दिया। 900 को 5 से दोबारा से डिवाइड कर दिया तो 180 आंसर आ गया। तो 180 ग्लासेस लगे हमें वेसल को फुल करने में। तो यहाँ एक्सरसाइज ख़त्म होती है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।